तो गाइस आप लोगों ने लायन रॉक के बारे में सुने होंगे, रील्स भी देखे होंगे बहुत सारा। लेकिन हमारे उड़ीसा में मयूरभंज में भी एक ऐसा रॉक है ना जिसको आपको देखना चाहिए, तो वो मेरे सामने ही है अभी। एंड लुक एट दैट, एठो के तोड़ के खसी है ना, ओमे सती की बिगे जान तो बागो भालू भी कही आसी है, कही आसी है ना ओलगा दिन आसी बाकी सीटा मु कोई पर, किंतु आदि तो मोचो ने के आसी है ओछो ने पूजा हो जी सात दिन आठ दिन पाई कही आसी है नॉलेज सब कर दिन तुम एटे पड़ी ही परबनी मु मो एत का साडी होती का साडी होछो पड़ी वानी पड़ी वो तो नहीं मु तो कही भाई तू बैठ के क्या सोच रहे ओए, सोच क्या रहे भाई। पर पीपल कैसे हैं सो आप सब, दिस इज योर वीडियो नंबर संडे वेलकम टू फर्स्ट वाला ब्लॉग। सो भाई लोग अभी देखो हम लोग एक ट्रैकिंग प्लेस वाले हैं और इसका नाम जो है ना किम्भीराहुड़ी, जो कि है गाइस मयूरभंज ईस्ट में। तो गाइस फिलहाल यहां पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचे कि चलो टाइम मिला है तो गाइस यहां पे घूम लिया जाए। तो ये एक्चुअली एक हार्डेस्ट ट्रैकिंग वाला पॉइंट है भाई साहब। हम लोग नीचे से ट्रैकिंग करते हुए अभी तक यहां पे पहुंच चुके हैं, शिवा है साथ में और मैं हूं। मुझे तो भाई ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, आराम से ट्रैकिंग कर लेता हूँ। सो फिलहाल गाइज हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रैकिंग किया और जिसके साथ मैंने एक बंदा को पूछा कि गाइज और कितना ट्रैकिंग करना पड़ेगा, एंड उसका जो रिप्लाई था ना वो बहुत ही दर्दनाक था। मतलब वो कहा कि ये बस आधा हुआ है, इससे और आधा जो है ना और भी कवर करना पड़ेगा। तो फिर से सोच रहा हूँ कि मेरा पैंट तो फटने वाला है, पर पूरा का पूरा फट चुका है भाई। तो शिवा आगे आगे जा रहा है एंड मैं भी जाऊँगा अभी। इसके देखो वो वेट गया वहाँ पे। One hour later. तो आओ भाई लोग अभी इसको भी थोड़ा सा चढ़ लेते हैं। काफी हार्ड है भाई, तू भी आजा। पूरा हार्डकोर ट्रैकिंग है ये एक भाई। हम लोगों ने बहुत सारा ट्रैकिंग किए हैं लेकिन भाई सबसे हार्डकोर ट्रैकिंग मुझे ये लग रहा है अभी। और देखो फाइनल गाइज हम ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। अभी देखो पत्थर के ऊपर पत्थर ये सब लटके हुए हैं, रिस्की तो है भाई, हाँ कि नहीं? रिस्की है, ज्यादा रिस्की, ज्यादा रिस्की है भाई। एंड देखो अभी थोड़ा आगे भी चलते हैं और क्या। वाओ वाओ गाइज क्या नजारा है। शाहरुख खान वाला स्टाइल, और यहाँ पे अगर नीचे गिरेगा तेरा शाहरुख खान वाला पोज भी निकल जाएगा अभी से। आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि हमारा उड़ीसा में भी ऐसा है एक चीज है। आप महेंद्रगिरी में दिखे होंगे कि वो जो लटका हुआ होता है एक पत्थर, लेकिन आप देख सकते हो मयूरभंज में भी एग्जैक्ट वैसा ही एक पत्थर है यहाँ पे। लुक एट दैट, उस वाले की बात कर रहा हूँ। मतलब वहाँ पे वो जो स्टोन रहता है ना वो तो ऐसे कुछ शेप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है एक कुत्ते का फेस जैसे शेप हो रहा है। ऑसम मैन। क्वाड़े 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 सेड़ी की जीवा फाइनल है। सेड़ी की जीवा, शाहरुख खान वाला पोज यहाँ पे होगा क्या फिर से? सो आप लोग एक बार देखो नजारा कैसा है नीचे का, एंड इट्स काफी बेहतर है।
बट रिस्की थोड़ा सा है, पर इतना भी नहीं। अगर आप संभाल के यहाँ पे खड़े होंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा हरकत करोगे तो भाई मराने वाली चीज हो जाएगा फिर। A few moments later. So, दोस्तों अभी देखो पूरा टॉप पे हम लोग हैं, लेकिन मैं जो पिछले ब्लॉग में बहुत बार ये बता चुका हूँ कि गाइस वो जो एक है ना वो एक व्यू पॉइंट है, लेकिन वो गलत था। जैसे कि आज मुझे यहाँ पे आके पता चला कि वो एक्चुअली एक व्यू पॉइंट नहीं है, वो छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो कि मतलब यहाँ पे जो भगवान होता है ना उनके लिए बनाया गया है। एंड गाइस वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन जाके थोड़ा सा पास में देखेंगे क्या एक्चुअली वहाँ पे भगवान जी है या नहीं, या फिर एक्चुअली वो एक व्यू पॉइंट था, आई डोंट नो। पर यहाँ पे आकर जो नज़ारा हमें मिल रहा है ना, जो व्यू, जो नज़रिया, जो सीन बन रहा है यहाँ पे, वो माइंड ब्लोइंग है गाइस। आप लोग एक बार वो भी देख लो, लाइक उसके बाद कर रहा था। देखो वहाँ पे भी एक मौसा वहाँ पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली आई वॉज टॉकिंग पॉइंट दिस अबाउट प्लेसेस। एंड अभी देखो नीचे कितने ऊपर हमने, मैं ड्रोन शॉट भी यहाँ से लिया था, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो गाइज जाओ, आई बटन में लिंक आ रहा होगा गाइज, जाओ वहाँ पे प्रेस करके देख लो ड्रोन शॉट को मीरा उड़ी के बारे में। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया। एंड लोगों का भीड़ अभी स्टार्ट हो रहा है। ए यार ये ठीक है, तेरा तो वही पोज फिर से। बहुत बड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो गाइज ये जो प्लस है एक्चुअली में एक व्यू पॉइंट ही है। तुम भाई साहब के चक्कर में आके मैंने गलत बोल दिया आप सभी को, लेकिन गाइज ये एक व्यू पॉइंट ही है, कोई मंदिर फंदिर नहीं है। क्योंकि गाइज मंदिर होते तो भाई यहाँ पे भगवान जी का कुछ मूर्तियाँ होता, लेकिन कुछ भी नहीं है। सो दैट्स बेसिकली ये व्यू पॉइंट, आप यहाँ पे आके नीचे का जो नजरिया है ना वो सब देख सकते हो फिलहाल गाइज। और इसके बारे में बहुत सारा खासियत है जो कि मैं आगे जाके आप सभी को बताऊँगा। वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, बट देखो नीचे का नजरिया यहाँ से कैसा आ रहा है भाई साहब। देख गोटे गोटे पत्थर था पर मैंने लटकी लटकी के ना अच्छे नहीं, वाओ अमेजिंग। सो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कर रहे थे और यहाँ पे हमें एक पुजारी मिले जो कि कह रहे हैं ये यहाँ के सेवक है। तो मुझे तो पता नहीं था कि मंदिर है, लेकिन अभी अभी फिर से पता चल रहा है कि इस मंदिर है। मैं तो फिलहाल कंफ्यूजन हो गया है पूरा कि ये मंदिर है या फिर मंदिर नहीं है। मौसा एटा मंदिर ना मंदिर नुए, एडी किसी ठाकुर माकुर ना आती थे ठाकुर अथि जे ए बर पर अलगा कदर से तोले बसे दी जंती तोले बसाई जी तण करी एटा बे चप्पल मारी चढ़ी हेले तो किसी प्रॉब्लम नहीं तो नाही ना नाही ना मु सब कर दिन तुम एटा पड़ी हे परबनी मु मो एति कारसाटी अछि कारसाटी अछि पड़ीवानी है पड़ीबो तो नहीं मु तो कहि देली जा हो बने भल लाइना। तो मौसा मौसा ये कह रहे हैं कि गाइस मु तुरते क्लास पाठ पढ़ दनी ठीक है तोड मते अभ्यास 60 वर्ष मोर हलाणी 60 तो भाई लोग मौसा का ये कहना है कि भाई जब तक मौसा यहाँ पे है ना तो कोई शेर या फिर जंगली जानवर नहीं आएंगे यहाँ पे, और नीचे गिरने वाले आप नहीं हो, इनके पास इतना कारसा भी है जो कि इनको पता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अभी बताया हम लोगों को, तो मजा लगा भाई सुन से। और मौसा बढ़िया पूजा पाठ हो मौसा एटी करिया बताओ धूप हूप सब रेडी कर ले नहीं नहीं संकल्प आम खाई सारे से। तो मौसा एटी कर पुजारी जहाँ हमको जाने के पड़ा मजे की बात है। तो मैंने उनसे ओडिया में यही पूछ रहा था कि अगर पत्थर को एक दूसरे पत्थर में टकराएंगे ना तो उससे एक आवाज आता है, एंड सेम चीज अभी हम ट्राई करने वाले हैं जैसे कि मौसा ने बताया। ठीक ठीक भाई ठीक है। कितना रिस्की है ये वाले पत्थर का टकरा जाके और एक छोटा सा पत्थर लेके, तो शायद आवाज आ सकता है। A few moments later. भाई देखो अभी हमारे पास हमारे हाथ में है पत्थर, तो सीबा अभी पत्थर के साथ है अभी तक टकरा भाई। भाई जैसे कि हमें ये महसूस हो रहा है
कोई लोहे से आवाज आ रहा है ना। एग्जैक्टली बढ़िया भाई, एग्जैक्टली उनके कहने के मुताबिक वैसा ही आवाज आ रही है। तो गाइस आप लोगों ने लायन रॉक के बारे में सुने होंगे, रील्स भी देखे होंगे बहुत सारा, लेकिन हमारे उड़ीसा में मयूरभंज में भी एक ऐसा रॉक है ना जिसको आपको देखना चाहिए। तो वो मेरे सामने ही है अभी, एंड लुक एट दैट, ये लायन जैसा नहीं दिख रहा है, ये कुत्ते का फेस जैसे दिख रहा है। सो फिलहाल गाइस वहाँ पे वो तीनों एडवर्टाइज लगा के ये लोग बिगाड़ दिए हैं व्यू पूरा का पूरा। शिवा जा रहे हैं फिलहाल वहाँ पे। शिवा रिस्की कितना लग रहा है भाई? तो उसके ऊपर मैं अभी चढ़ने वाला हूँ। फाइनली वो जो पोज था ना, वो जो चाहत था फोटो खींचने का, वो अभी लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलो ये वाला वीडियो को यही पेंड करते हैं। मिलते हैं कोई और एक दिन नई फेस वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।